ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन 2021 के उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति ग्राम जो विशाल और भव्य मंडप है उस पर आके पहुँचे हैं। ये श्री यमुना जी के तट पर जो 2021 का जो कुंभ मेला है उससे पूर्व कुंभ के पूर्व जो वैष्णव बैठक वृंदावन में की जाती है, जिस वैष्णव बैठक में चारों संप्रदायों के भव्य पांडाल विभिन्न आचार्यों और मठाधीशों के द्वारा लगाए जाते हैं, उन पांडालों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के संस्कृति ग्राम के अंतर्गत आए हैं, जहां ब्रज 84 कोस की एक भव्य झांकी संस्कृति ग्राम ने आपके समक्ष दिखाई है। ये आप देखेंगे, ये ब्रज की होली का बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आगे जब आप देखेंगे तो आपको ब्रज के एक एक स्थल यहाँ प्रदर्शित होंगे। बहुत ही सुंदर ब्रज की झांकी इस संस्कृति ग्राम के अंतर्गत दिखाई गई है। ये सारे चित्र आप देख सकते हैं, होली चबूतरा गोकुल का चित्र है। ये देखिए, होली चबूतरा गोकुल की पूर्व में स्थिति ये थी और वर्तमान में स्थिति ये हो गई है। ये यमुना जी का तट है गोकुल पर, और ये ठकुरानी घाट, ठकुरानी घाट ये गोकुल का पार्क है जिसकी पूर्व में स्थिति इस तरह की सी थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी स्थिति की गई है। ये संपर्क मार्ग बनाया गया है गोकुल का। ये रसखान की समाधि है, मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल काम के ग्वारिन। रसखान की समाधि जिसकी पहले स्थिति इस तरह की थी, पास से दिखाइए रसखान की समाधि को, पूरा चित्र आना चाहिए। और ये महावन का चिंता हरण घाट है, महावन का चिंता हरण घाट। और ये ब्रह्मांड घाट है, जिस ब्रह्मांड घाट पर चार स्वरूप श्री गोकुल चंद्रमा जी और अन्य निधि स्वरूप जो ब्रह्मांड घाट पर मिले थे उसकी पूर्व की स्थिति यह है और वर्तमान की ब्रह्मांड घाट की स्थिति इस तरह की है। ये भी एक ब्रह्मांड घाट महावन का बहुत ही सुंदर स्वरूप है जिसे आप देख सकते हैं, और वर्तमान में ब्रह्मांड घाट की स्थिति ये है। ये गिरिराज पर्वत गोवर्धन का गिरिराज पर्वत, और वर्तमान में गिरिराज पर्वत की स्थिति ये है। ये आप देखेंगे तो नारद कुंड गोवर्धन का, और नारद कुंड की वर्तमान स्थिति इतनी सुंदर जो है बना दी गई है। ये आप देखेंगे कुसुम सरोवर, बहुत ही सुंदर कुसुम सरोवर की झांकी जो राधा कुंड से जब गोवर्धन की ओर गिरिराज जी की परिक्रमा में आते हैं तो दाहिनी हाथ को कुसुम सरोवर पड़ता है, वो कुसुम सरोवर। और ये चंद्र सरोवर सूरदास जी की साधना स्थली, जहाँ पुष्टिमार्ग के जहाज सूरदास ने अपना जीवन का काफ़ी समय जहाँ पर भगवान के गुणानुवाद और भगवान के पदों को रचते हुए प्रस्तुत किया था, रहे थे, वो सूरदास की साधना स्थली है। और ये अन्य ठहरने के स्थान हैं। ये नंदगांव का नंद भवन के जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, वर्तमान में आप देखेंगे तो ऊपर बहुत सुंदर सीढ़ियां जो हैं वो बना दी गई हैं। ये वृंदावन के पास ही टेर कदम्ब नामक स्थान है, उस टेर कदम्ब नामक स्थान का जो वर्तमान परिदृश्य है वो इस तरह का है। और ये आशीश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव जब भगवान शंकर नंदलाल श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अगर दर्शन कराऊंगी तो मेरा लाला डर जाएगा, तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए भगवान शंकर आस लगाकर जहाँ पर विराजे वो आशीश्वर महादेव। और आशीश्वर महादेव का वर्तमान स्वरूप बहुत सुंदर है। ये पावन सरोवर हैं जहाँ पर
श्री महाप्रभु जी की बैठक विराजित है पावन सरोवर पर। वो पावन सरोवर ये वृंदाकुंड है, और वृंदाकुंड के बाद हम चलते हैं वृंदावन की गलियों की ओर। और ये आप देखेंगे तो बहुत सुंदर परिक्रमा मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्मित किया है। उस परिक्रमा मार्ग का भी बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ये कालियादह पार्किंग स्थल, कालियादह वो स्थान है जहाँ कालिय दैत्य का दमन किया था भगवान ने, वो कालियादह। और आगे आप देखेंगे तो ये वृंदावन की गलियाँ हैं, बहुत सुंदर वृंदावन की गलियाँ हैं। ये भरना खुर्द का सूर्य कुंड है, भरना खुर्द एक गाँव है उसका ये सूर्य कुंड है। और ये ब्रज चौरासी कोष के सारे लीला स्थल हैं। ये राल में ब्रह्मर्षि देवरा बाबा की गौशाला है, और ये भांडीर वन है जहाँ पर भगवान के विवाह की स्थली है। ब्रज चौरासी कोष के अंतर्गत भांडीर वन का स्वरूप जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये यात्री सुविधा केंद्र, इनको आप थोड़ा कम दिखाइए। ये बंसीवट है, बंसीवट ब्रज चौरासी कोष के अंतर्गत आप बंसीवट को देखते होंगे, उसके दर्शन करते होंगे। ये सारे लौकिक जो यहाँ पर दंगल वगैरह जो लगाए जाते हैं वो हैं। ये केशी घाट है श्री यमुना जी के किनारे, बहुत ही सुंदर केशी घाट का ये स्थल है। और ये कृष्ण जन्मोत्सव जो मनाया जाता है यहाँ वृंदावन में मथुरा में, उसका स्वरूप जो है वो दिखाया गया है। ये मयूर नृत्य, ये बरसाने का श्री राधा रानी जी का लाडली जी का मंदिर है, और वहाँ पर जो रंगोत्सव मनाया जाता है फाल्गुन में एकादशी से पहले नवमी के दिन, वो नवमी के दिन का वहाँ दर्शन आपको कराया गया है। और ये कृष्ण जन्मभूमि, और ये पोतरा कुंड है। पोतरा कुंड रात में इस तरह का दिखाई देता है और दिन में इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में जब भगवान कृष्ण थे तो उनके जो कपड़े जो हैं, अंग वस्त्र जो हैं, उन्हें जहाँ धोया जाता था वो पोतरा कुंड है। और ये चिंतारण घाट है महावन का, बहुत सुंदर चिंतारण घाट है। और ये कुसुम सरोवर की दोबारा पुनः झांकी आ गई है। ये कोविड-19 के तहत जो कुछ सरकार ने किया है उसको थोड़ा सा यहाँ दिखाया गया है। और ये जो मथुरा की राजकीय संग्रहालय जो है, जिसे म्यूज़ियम कहते हैं, एक जल्दी जल्दी मैं इनको दिखा दीजिए। ये राजकीय संग्रहालय के कुछ जो मूर्तियाँ, राजकीय संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियाँ जो संरक्षित हैं, उन दुर्लभ मूर्तियों के चित्र जो हैं यहाँ आप देखेंगे तो भगवान विष्णु जो हैं वो शेष नाग के फन पर, शेष आसन पर विराजमान हैं, लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। बहुत सुंदर ये चित्र है। यहाँ आप देखेंगे तो ये 12 विष्णु, 12 भगवान का जो है स्वरूप है। यहाँ देखेंगे तो ये वामन अवतार हैं, ये त्रिविक्रम विष्णु हैं, ये चतुर्भुजी शंकरषण हैं, और ये वासुदेव शिशु कृष्ण को जब लेकर जाते हैं तो उस समय का ये सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। विष्णु ये प्राचीन वे मूर्तियाँ हैं जो मथुरा उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। और ये गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का एक पुराना स्वरूप है जो राजकीय संग्रहालय में इस समय संरक्षित है। ये बलराम जी का स्वरूप है, और ये ऐरावत सहित इंद्रदेव का है। जब इंद्रदेव भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया था तो उस समय जब इंद्रदेव अपने ऐरावत पर्वत के साथ शरणागति होने के लिए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सर्वस्व समर्पण के लिए आया था, उस समय का ये चित्र है। और ये आप देखेंगे तो ये त्रिमुखी शिवलिंग है, ये त्रिमुखी शिवलिंग है, ये एकमुखी शिवलिंग है, और ये चतुर्भुज शिव, ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत राजकीय संग्रहालय में जो मूर्तियाँ, जो स्वरूप इस समय संरक्षित हैं, उन सब के चित्र जो हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। देवी गंगा है, ये आप इनका जो वास्तविक जो स्वरूप है उसे आप अगर जाकर देख सकते हैं तो राजकीय संग्रहालय में, गवर्नमेंट म्यूज़ियम में, ये सारे जो मूर्तियाँ हैं, ये सारे जो स्वरूप हैं ये वहाँ संरक्षित हैं, जिसकी एक बहुत सुंदर कला प्रदर्शनी ये
कुंभ पूर्व वैष्णव वैष्णव बैठक वृंदावन में राजस्थान के बगल में जो मथुरा है उसमें उत्तर प्रदेशीय राजकीय अभिलेखागार ने, संस्कृति विभाग ने ये लगाई है। ये आप देखेंगे तो ब्रज 84 को उसका बहुत ही सुंदर नक्शा है, इसे आप पास से दिखाइए। ये सन 1892 का बना हुआ एक नक्शा है जिसमें पूरे ब्रज 84 को उसका बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है वो दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे पूरा ब्रज 84 कोस इस नक्शे में बहुत ही सुंदर स्वरूप में। ये गर्ग संहिता के अंतर्गत जो पांडुलिपि है वो पांडुलिपि यहाँ पर उसका बड़ा स्वरूप करके, जो गर्ग संहिता के अंतर्गत वृंदावन खंड की जो पांडुलिपि है उस पांडुलिपि को बड़े स्वरूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये कृष्णाश्रय स्रोत की पांडुलिपि है और ये श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा विरचित चतुश्लोकी, चतुश्लोकी के आप दर्शन कीजिए, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की के द्वारा लिखित जो चतुश्लोकी है उस चतुश्लोकी का जो की जो पांडुलिपि है उस पांडुलिपि को यहाँ पर दिखाया गया है बहुत सुंदर स्वरूप में। और ये श्री कृष्ण के 108 नामों का एक बहुत सुंदर स्वरूप है। ये आदि शंकराचार्य कृत गोविंदाष्टक की पांडुलिपि है और ये श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया जो रासपंचाध्यायी का जो स्वरूप है उस रासपंचाध्यायी की जो पांडुलिपि है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। यहाँ आप देखेंगे तो ये गोपाल कवच की ये पांडुलिपि है और ये एक पांडुलिपि है जिसमें वृंदावन का महत्व बताया गया है। और यहाँ आप देखेंगे तो गोवर्धन तीर्थ की महिमा जो है वो इस पांडुलिपि में दिखाई गई है। ये गोविंद स्वामी तीर्थ, ब्रह्मकुंड इत्यादि की जो श्रीमद्भागवत महापुराण की हरिलीला की जो पांडुलिपि है वो भी यहाँ पर सुरक्षित है। और ये नंद वंशावली की पांडुलिपि है, नंद वंशावली, नंद बाबा के वंश जितने भी हुए उन सब की पांडुलिपि है। ये मथुरा का महात्म है उसकी पांडुलिपि है। और ये गीता, मथुरा तीर्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, प्रयाग महात्म, भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण का चित्र, ये बहुत ही दुर्लभ जो पांडुलिपियाँ हैं वो संरक्षित की गई हैं। उनका जो दर्शन है वो संस्कृति विभाग ने यहाँ पर कराया है। ये अपने आप में एक दुर्लभ चीज़ है जिसका हम यहाँ अवलोकन एक स्थान पर कर सकते हैं। ये ज्ञानोपदेश और ब्रह्मोपदेश नामक जो ग्रंथ हैं उनकी पांडुलिपि, ये गजेंद्र मोक्ष, ये गजेंद्र मोक्ष की बहुत दुर्लभ पांडुलिपि है जिसका आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और ये गीता स्कंद पुराण के अंतर्गत सूत संहिता और भगवान वंशीधर और गोपियों का चित्र जो है वो बहुत सुंदर स्वरूप में यहाँ, ये सप्तश्लोकी और ये नरसिंह अवतार का चित्र, इस प्रकार से दत्तात्रेय जी का और सर्वोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन विषाद योग, इन सब सांख्य योग, कर्म योग, इन सब की जो पांडुलिपियाँ हैं वो पांडुलिपियाँ यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्वरूप में प्रदर्शित की गई हैं। इन पांडुलिपियों के दर्शन आप संग्रहालय में तो जाके कर ही सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने बहुत ही सुंदर स्वरूप में इन पांडुलिपियों को बहुत ही संरक्षित किया हुआ है। और उन पांडुलिपियों का दर्शन जो है वो यहाँ पर संस्कृति विभाग के द्वारा आपके समक्ष कराया गया है। हम इस पांडुलिपि के सेशन से जब बाहर निकलते हैं तो आगे जाकर देखते हैं तो संस्कृति विभाग ने ब्रज 84 कोस के अंतर्गत जो प्रमुख लीला स्थलियां हैं उनके भौगोलिक विस्तार से संबंधित ये बहुत सुंदर चित्रावली जो है वो प्रदर्शित की गई है। ये आप देखेंगे तो ये बलदेव दाऊजी का क्षीर सागर है, साफ से दिखाइए इसे। ये दाऊजी में ही बंदी देवी, आपने कभी ब्रज 84 कोस की जब यात्रा की हो तो उसमें बंदी देवी का ये स्थान है। और ये राधा रानी का जन्म स्थान है रावल का, जहाँ रावल में राधा रानी जी प्रकटी थी। बरसाना में तो राधा रानी बाद में जाके विराजी हैं, लेकिन रावल जो उनका, रावल के कहें गोप आज ब्रज गोप धुन सुनी कान, वो रावल है ये। और ये
ठकुरानी घाट है गोकुल का, जहाँ पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। और 84 वैष्णव की वार्ता में ठकुरानी घाट का बहुत सुंदर वर्णन जो है आता है। ये गोकुल का 84 खंभा है और ये दाऊजी वलदेव में श्री दाऊजी के मंदिर की बहुत सुंदर छवि जो है वो यहाँ प्रदर्शित की गई है। ये नंदगांव में संकेत बिहारी जी का मंदिर है जो बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये रसखान जी की समाधि है गोकुल में, जहाँ हमने अभी आपको दर्शन कराए थे। और ये ब्रह्मांड घाट है गोकुल का, गोकुल का ब्रह्मांड घाट। और यहाँ आप देखेंगे तो ये बरसाना की स्थित पीली पोखर है, पीली पोखर। और ये प्रेम सरोवर है बरसाने का, प्रेम सरोवर गाजीपुर, बरसाने के पास एक गांव है गाजीपुर, वहाँ का ये प्रेम सरोवर है। और ये कामवन का चील महल है, महाराजा कामसेन जो महाराजा विक्रमादित्य के समकालीन हुए थे उनके द्वारा जो चील महल बनाया गया था जो कोटू पर स्थित है, वो चील महल की झांकी भी यहाँ पर है। और ये बरसाना का राधा रानी मंदिर है जो वर्तमान में है, उसकी झांकी जो है वो यहाँ प्रदर्शित की गई है। ये शुद्धाद्वैत पंचम पीठ श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर कामवन, जहाँ श्री गोकुलेंदु प्रभु का स्वरूप जो है वो विराजित है। सेवा यहाँ पर श्री पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री बल्लवाचार्य जी महाराज श्री के द्वारा या जिनके माथे विराजता है, ये पंचम पीठ है। और ये सप्तम पीठ है मदन मोहन जी मंदिर, जो सप्तम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री के माथे विराजती है। और ये कामवन का ही 84 खंभा है, आप इसको पास से दिखाइए 84 खंभा। और ये कामवन की चरण पहाड़ी है, जिस चरण पहाड़ी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से वैष्णव जो हैं वो 84 को उसकी परिक्रमा में आते हैं। ये भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह है, ये चरण पहाड़ी है कामवन की। और ये कामेश्वर महादेव है, ब्रज 84 कोस में 4 महादेव हैं, उनमें एक कामेश्वर महादेव है, उस कामेश्वर महादेव का ये आपको दुर्लभ दर्शन है। ये तीर्थराज बमलकुंड कामवन, कामवन का तीर्थराज बमलकुंड, जिसे तीर्थों के राजा की उपाधि दी भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था में सभी तीर्थों को कराने के लिए, सारे तीर्थों का जहाँ आह्वान किया है वो तीर्थराज बमलकुंड है। ये भरतपुर का 56 खंभा है और ये डीग का किला है, डीग जिसे डीग जो है दीर्घ वन भी जिसे कहते हैं, लठा वन भी जिसे कहते हैं। और ये डीग का गोपाल भवन है, यहाँ ऊपर देखेंगे तो भरतपुर राज्य की ये छत्रियाँ हैं जो गोवर्धन में बहुत सुंदर स्वरूप में हैं। ये राधा कुंड है गोवर्धन का और ये किशोरी रानी का महल है, ये भी गोवर्धन में ही है। ये नंद बाबा का मंदिर है, नंदराय मंदिर, जहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान कृष्ण, बलराम, श्री स्वामिनी जी, श्री राधा रानी अपने पूरे परिवार के साथ जहाँ विराजी हुई हैं वो नंदगांव का नंदराय मंदिर है। ये कुसुम सरोवर है गोवर्धन का और ये भरतपुर राज्य की कुछ छत्रियाँ हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये मानसी गंगा, गोवर्धन की गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा में जो मानसी गंगा स्थल है वो मानसी गंगा का चित्र है यहाँ। ये हरदेव मंदिर है गोवर्धन का और वो गिरिराज पर्वत है। यहाँ देखेंगे तो ये निम्बार्क संप्रदाय के परंपरा के अनुसार जो मुगदर फिरानी की जो परंपरा है वो मुगदर हैं। ये दान घाटी है गोवर्धन की और ये पूरा गिरिराज पर्वत का एक बहुत ही विहंगम चित्र जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित है। ये वृंदावन का गोविंद देव मंदिर है, जो गोविंद देव जी आज जाके वृंदावन से जयपुर में विराजित हो गए हैं, उन गोविंद देव जी का मंदिर है। ये गोविंद देव जी पहले वृंदावन में विराजते थे, उसके बाद ये कामवन में जाके विराजे और वर्तमान में जयपुर में विराजते हैं। ये जयपुर वाला मंदिर है वृंदावन में, जो राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। और ये दावानल कुंड है वृंदावन में। और ये आप देखेंगे केसी घाट, श्री यमुना जी के किनारे पर बहुत ही सुंदर केसी घाट के दर्शन आप यहाँ करेंगे। ये रंगनाथ जी का मंदिर है, रंग जी का मंदिर जिसे बोलते हैं। और ये नीचे रंगनाथ मंदिर में जो पुष्करणी जो स्थान है उसका दर्शन है। तो ये राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है वृंदावन का, ये जुगल किशोर मंदिर है वृंदावन में, ये राधा रमण जी मंदिर है वृंदावन का, और ये राधा गोकुलानंद मंदिर है ये भी वृंदावन में है। इधर ये शाह विहारी मंदिर है वृंदावन का और ये निधिवन है, ये प्राचीन स्थल हरिदास जी की साधना स्थली। ये इमली तला वृंदावन और ये राधावल्लभ मंदिर, राधावल्लभ संप्रदाय का राधावल्लभ मंदिर, और ये किशोर वन वृंदावन। और इधर देखेंगे तो ये राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन, ये कालियादह, ये देखेंगे कालियादह नामक स्थान है।
ये मदन मोहन जी मंदिर वृंदावन है और ये वृंदावन का बांके बिहारी का मंदिर है, बांके बिहारी ठाकुर जी का मंदिर। और ये ब्रजमंडल की जो परिक्रमा है उस परिक्रमा को जो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है